So, yo, what's happening guys, my name is Rue, और आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में, और ये वर्ल्ड है, आपको अलग सा लग रहा होगा, क्योंकि ये मेरा सर्वाइवल नहीं है, ये ना मेरा ऐसे ही आलतू फालतू मैंने बना दिया था, हाँ, इसके लिए मैं, ये मेरा ना क्रिएटिव वर्ल्ड है, मतलब क्रिएटिव तो नहीं बोलूँगा, इसके अंदर मेरा सब बना हुआ है, इसके लिए मैं ये वर्ल्ड में ज़्यादा खेलता हूँ, तो फिर आपको ना बाद में बताऊँगा मैं पूरी इसकी डिटेल। हाँ, ये मेरा टाइम पास वर्ल्ड है, इसके अंदर मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, ये देखो मेरे हॉर्स का फार्म, मेरे तीनों हॉर्स का नाम बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरा है पहला हॉर्स जिसका मैंने नाम रखा है राजकुमार, और दूसरा हॉर्स है ये प्रो हॉर्स, और ये तीसरा हॉर्स है मेरा वीर, और ये रहा मेरा सस्ता सा शुगर केन फार्म जो कि मैंने पता नहीं कैसे बनाया, और ये वर्किंग भी है, ये देखो अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके अंदर आपको बोन मिल जाइए, ये मेरा घर है आपको बाद में बता दूँ, ये मेरा ऑटोमेटिक वीट फार्म है, ये एक्सपी फार्म है, मॉब फार्म, और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है अच्छा सा, आपको अंदर का भी टूर देते तो, और ये देखो ये मेरा अंदर से घर है, ये मेरा पूरा किचन टाइप है, ये मेरा सस्ता सा सोफा, अभी ये पूरा नीचे का फ्लोर खाली है, अभी ऊपर मेरा बेडरूम दिखाता हूँ, चलिए तो ऊपर चलते ही। ये देखिए ये मेरा आर्मर है जिसको मैंने, ये मेरा दूसरा आर्मर है, ये इसके अंदर मेरी स्वॉर्ड है और पूरा आर्मर है, इसके अंदर इलेक्ट्रा और पूरा आर्मर है और एक्स है, ये मेरी सारी कैट है, इसका नाम मैंने अभी तक नहीं रखा है, इसका नाम मेरे को पता है, इसका नाम मेरा मैंने रखा है चेरी, क्योंकि मेरे पास एक बिल्ली भी थी जिसको कुत्ते उठा के ले गए थे, तो उसका नाम था चेरी। इसके लिए मेरे ये ना मेरी पर्शियन कैट थी वो, और ये भी मेरे को स्नो वाइट, मैंने पहले स्नो वाइट रखने वाला था पर मैंने इसका नाम चेरी रख दिया। हाँ, तो ये यहाँ पर मैं चर्निंग पूरा करता हूँ, तो और ये मेरा मॉप फार्म जिसके ऊपर ये एफ के रहना पड़ता है। अरे ये क्या हो गया, चलो चलो ये घुस गया, और ये अरे भाई सो जा, सो गया, प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट, तब मेरी पुरानी वाली वीडियो में भी लाइक शेयर कमेंट कुछ भी नहीं किया था इसके लिए, और ये मेरा पता नहीं मैंने क्या बनाया, ट्रेडिंग हॉल टाइप है पर ये वर्क नहीं करता, तो मैंने आपस मीटिंग टेबल बनाया, और ये फ्लेचर है, ये पता नहीं क्या क्या हो रखा है इधर, ये मैंने पहले आयरन फार्म बनाने की कोशिश की थी पर ये फेल हो गया, तो मैंने पूरा TNT से फोड़ दिया, ये यार ये क्या आ गया, इसको इग्नोर कर देना। ये मेरा दूसरा आयरन फार्म, अरे भाई 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 छी भाई बच गया, मैं मर भी जाता तो भी मेरे पास खाना, और ये पता नहीं मैंने वर्ल्ड में कुछ भी बना के रखा है, आपको मैं वो साइड ले जाता हूँ, ये मैंने YouTube पे से देख के बना रहा था, ये चेक कर रहा था, और मेरा वो साइड पता नहीं क्या क्या मैंने बना के रखा है और ख़ुद को नहीं पता है, ये मॉप फार्म है अपने सब तो देख लिया होगा, और ये मेरा क्या बोलते हैं आयरन फार्म है, इसकी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्यूटोरियल वीडियो भी आएगी। हाँ, तो ये देखो कितनी अच्छे से वर्क करता है, इतना सारा आयरन मिलता है, इसके ऊपर पर एफ के रहना पड़ता है, थोड़ा सा एफ के रहना पड़ता है पर कोई बात नहीं चल जाता है,
ये मेरा पता नहीं मैंने ये स्टेज लगा दिए, इसके ऊपर मैं बैठ के, इसके ऊपर मैं बैठ के ना एस के रहता हूँ इधर। और ये फीड इतना, और ये साइड तो मैं जाता ही नहीं हूँ क्योंकि ये साइड मैं डर्ट माइन करता हूँ पूरे। इसके लिए तो आपने पूरा देख लिया होगा मेरा ये क्रिएटिव वर्ल्ड, इसके अंदर मैं क्रिएटिव में पूरा बनाता हूँ। ये सामान भी मैंने पूरा क्रिएटिव से लिया है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही, आज बड़ी आज बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, इतनी सी बनेगी क्योंकि बस मेरे वर्ल्ड में इतना ही था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जल्दी मेरे 100 करवा दो, ठीक है, बाय बाय। शिट, मेरी कैट मर गई।